और अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सुधांशु जी, अगर सिर्फ जेएनयू तक ना टिके, अब हम अपने श्रीनगर के एनआईटी की बात करेंगे। आज हमने देखा हैदराबाद विश्वविद्यालय के सामने से भी दृश्य आए। आपकी नई नई सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में इस तरह की स्थितियां होती हैं कि छात्रों को पर लाठीचार्ज होती है, फिर उससे तरह तरह की बातें सामने आती हैं। अब केंद्र से दो लोगों की टीम जाती है, क्या समझें बीजेपी के लिए क्या है वहां की स्थिति? निधि जी, मैं तो इस चर्चा के परिपेक्ष में पहले कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक छात्र राजनीति का की प्रोडक्ट हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, और जो मैं डिबेट देख रहा हूँ, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि हम लोग तथ्यों से परे मीडिया के सामने कुछ भी बोल के कोई भी थ्योरियाँ बेच देते हैं हम लोग, और मुझे लगता है ईमानदार बहस ही नहीं होती यहाँ तो। और मुझे इसमें मीडिया पे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि किसी चीज का संदर्भ और किसी चीज का परिपेक्ष उसका संज्ञान ना लेते हुए कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के हम एक बड़े बड़े कैनवस पे पेंट कर देते हैं बिना कुछ सच्चे सोचे समझे। अच्छा, मैं कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूं। ले देखे अभी तक चार विश्वविद्यालयों की आप लोगों ने बातें करी है, जेएनयू की बात कर दी आपने, बात कर दी हैदराबाद यूनिवर्सिटी की आपने, बात कर दी अभी एनआईटी की, उससे पहले हो गया था एफटीआईआई, हो गई, दो चार और लगा दीजिए। जानते हैं हिंदुस्तान में कितने विश्वविद्यालय हैं? 744 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज है 343, डीम्ड यूनिवर्सिटी है 123, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 46, और 232 है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इतने बड़े यंत्र में चार विश्वविद्यालय जिसमें एक एक की स्ट्रेंथ देखिए, जेएनयू क्या है 8,000, हैदराबाद यूनिवर्सिटी कितनी है 5,000, एफटीआईआई कितनी है 800, एनआईटी में कितने हो गए 200-300। इन चार जगह में कुछ हुआ तो दिल्ली मतलब विश्व हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में उपद्रव हो रहा है, लोग आक्रोशित हो रहे हैं, छात्रों में जो है इस समय कुंठा है। कैसी कैसी उपमानाएं, कैसी कैसी बातें हम लोग करने लगे हैं यहाँ पे। अभी मैं कंचा जी का सुन रहा था, प्रोफेसर साहब आप ही जैसे लोग जो हैं छात्रों को और विश्वविद्यालयों को राजनीति का अड्डा बना दे। तो फिर आप अरविंद केजरीवाल का जो आप जैसे बुद्धिजीवी, अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया ना, फिर आपने सबको बोलने दिया, आप सबको बोलने दिया है आपने। मैं बुद्धिजीवियों के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं छिछोरों के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं जिनको राजनीति में शिक्षा से कोई लेना देना है, विद्यार्थियों से कोई लेना देना चाहिए, यहाँ की व्यवस्था से कोई लेना नहीं देना है, उनके बारे में नहीं बात कर रहा, मैं गंभीर बात कर रहा हूँ। आप किसको उस दायरे में लाएंगे और आप किसको उस दायरे में नहीं लाएंगे, इसका भी विश्लेषण करने का तो हमारे पास समय नहीं है। हाँ, अखिलेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब थोड़ा समय दिएगा, मैं एक एक करके समझा दूं। पहले हम अपने साथी सुधांशु जी से बात करें, इन्होंने विश्वविद्यालयों की संख्या गिना दी है, बताया चार विश्वविद्यालयों में, तो हांडी का चावल एक एक दाना नहीं गिना टेस्ट किया था, एक ही चावल से पता लगा जाता है कि दायरे में, इसलिए सब आंकड़े पास हैं उनके। कच्चा है जी। हाँ, नहीं सुनिए, दूसरी बात, आज आप बहस कर रहे हैं उस पर जानना चाहती है, उस पर प्लीज थोड़ा सा हमें बोलने दें। उसमें जो आज विश्वविद्यालयों में हो रहा है उसका कारण क्या है, आप इस पर बहस करें, उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। क्योंकि ये जो सरकार है वो आरएसएस की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो युवा विरोधी है। युवा विरोधी इसलिए है कि युवाओं में एक सोच होती है, युवाओं में एक दर्शन होता है, युवाओं में एक जज्बा होता है, जो आरएसएस की विचारधारा को कतई पसंद नहीं है कि एक ही विचारधारा एक ही व्यक्ति सोचेगा। इनके सर संचालक कह चुके हैं कि एक ही व्यक्ति सोचेगा सबको करना है, हर किसी को सोचने की आजादी नहीं दी जा सकती, लोकतंत्र इस समाज का सबसे बड़ा खतरा है, इनके गुरु गुरुवर बोल चुके हैं। ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है विश्वविद्यालयों में आरएसएस का एजेंडा थोपने का जबरिया एजेंडा थोपने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरा कारण ये है कि जो दलित शोषित कुचले वर्ग के लोग इन विश्वविद्यालयों में जाकर के अपनी विचारधारा अब रखने लगे हैं, उससे ये विचलित हो गए हैं ये आरएसएस बीजेपी के लोग। और चौथा कारण वो यह है कि जो इन्होंने अभी रागी जी ने कहा अड्डे, भाई अड्डे तो एबीवीपी के भी हैं, लेकिन वहां विरोध क्यों नहीं हो रहा है? आप उन अड्डों को विचारधारा से कैप्चर नहीं कर रहे हैं,
या विचारधारा से उस पे राजनीतिक हुकूमत नहीं कहना चाहते, उन अड्डों पे आप जोर जबरिया से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए छात्र उद्वेलित हो रहे हैं। आप विचारधारा से छात्रों को हम साथ आप अपनी बात आपने कर सकते हैं, लेकिन नौजवानों को आप जबरदस्ती चाहें सरकार युवा विरोधी नहीं होगा। ये देश एक युवा है, युवा देश हमारा। प्रोफेसर कांचे लाई आप कुछ कह रहे थे जी, फिर मैं एक ब्रेक लूंगी जी। निधि, सुधांशु जी ने बोल रहे थे कि मेरे जैसे लोग यूनिवर्सिटीज को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं बोल के, उसका मीनिंग ये है कंचा इलाइया के जैसा बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इंटेलेक्चुअल्स आजकल किताब लिख रहे हैं और लेख लिख रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मुझे बात करने दीजिए। आप लोग ऐसा दबाएगा नहीं है, निम्स सर का डिबेट में जरा सुनिए आप। दलित का प्रश्न चल रहा है, एबीवीपी ने कोई एक यूनिवर्सिटी में सेमिनार किया क्या? कमाल है आपका। एबीवीपी ने एक पॉवर्टी में कोई यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार किया क्या? किताब लिखा क्या आप लोग को जो इंटेलेक्चुअल्स बोल रहे हैं देश के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़े वर्ग के बारे में कुछ लिखा क्या? आप उनको बोलने दीजिए, फिर आप दलितों के खिलाफ है, आप बैकवर्ड क्लासेस के खिलाफ है, हमारे जैसे लोगों को नहीं लिखने के लिए ये बात कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग यूनिवर्सिटी आके उसको चेंज कर रहे हैं। यस, वी विल चेंज देम बिकॉज प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा पेरेंट जो है ये गांव का ये देश का पूरा मूलन बना के ये इसको प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप लोग खाके बैठने वाले हैं। हम यूनिवर्सिटी को आए तो आपको गुस्सा आ रहा, हम लिखे तो आपको गुस्सा आ रहा, हमारा किताब अगर टेक्स्ट बुक में आया आपको गुस्सा आ रहा। कितने एबीवी के लीडर आप प्रेसिडेंट थे, कितने किताब लिखे आप, कितने लेखक लिखे, कितने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को आप लाए, कितना साइंटिफिक रिसर्च करे, ये बात कर रहे हैं। यही सब एबीवीपी वो नहीं कर रहा है, ठीक है, एबीवीपी मारना पीटना और कंप्लेन करना कर रहा है। एक ब्रेक के बाद हम यही इनके सवाल के जवाब खोजेंगे और आएंगे सुधांशु मित्तल के पास। संगीत रागी भी कुछ कहना चाह रहे, एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हम लौटते हैं, ठीक है। सुधांशु मित्तल आप कुछ कह रहे हैं, मैं आ रही हूँ संगीत। सुधांशु निधि जी, अभी बात हो रही है बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट फॉरवर्ड की, जितने एजिटेशन आपने सामने देखे विश्वविद्यालयों में, ये कास्ट एजिटेशन थे ही नहीं। जेएनयू का कोई कास्ट एजिटेशन है क्या? एनआईटी का कास्ट एजिटेशन है क्या? एफटीआई का कास्ट है? तो कहीं मैंने कहा सत्य, देखिए क्या हो रहा है, सत्य और तर्क जब साथ ना दे तो कुतर्क दे दो। अब मैं कहना चाहता हूँ, अभी प्रोफेसर कांची कह रहे थे, प्रोफेसर साहब ये कह रहे हम लोग एंटी दलित हैं। प्रोफेसर साहब कुछ तथ्य जान लीजिए, कुछ सत्य जान लीजिए। हिंदुस्तान में सर्वाधिक सांसद अगर किसी के हैं दलित, भाजपा के। सबसे अधिक सांसद के अलावा मंत्री दलित किसके हैं? भाजपा के। विधायक किसके हैं? भाजपा के। सदस्य किसके हैं? 2.5 करोड़ सदस्य हैं भाजपा के जो दलित हैं, वो हमारे ये विश्व भर में हैं और हम एंटी दलित हैं। अब ये कुतर्क है या तर्क है? आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं तो सोच समझ के लगाइए। आपकी राजनीति बात कर रही थी, नेताओं पे नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि मैं अपने छात्रों के रोष को समझने की कोशिश कर रही हूँ। संगीत आप क्या कह रहे हैं? इसमें आरक्षण का रोष कहाँ आया है? नहीं, मैं समझना चाह रही हूँ ये छात्रों में किस बात की चिंता है, क्या अपने भविष्य को लेकर चिंता है या फिर उनको उकसाया जा रहा है? ये मैं क्योंकि नहीं, एक और चीज समझे निधि जी, आज के दिन क्या हुआ है, छात्र जो है वो सजग हो गया है, उसको अपने भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता है। दिल्ली विश्वविद्यालय वो जमाना था जब 60% में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन मिलता था, आज 99% में मिलता है। मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का प्रोडक्ट हूँ। हम लोगों को तो अपने भविष्य की चिंता नहीं थी, करियर की चिंता नहीं थी। आज हर व्यक्ति जो कैंपस में आता है उसका सारा केंद्र क्या है, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे को व्यवसाय क्या करना है, मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी। पहले पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए स्टूडेंट से, नव निर्माण आंदोलन हुआ, पटना में जयप्रकाश आंदोलन हुआ, आज कोई आंदोलन आपको दिख रहा है क्या? एक विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति नहीं आ रही हुई है, बिल्कुल उल्टा है। देखिए आपने जो अभी प्रश्न खड़ा किया कि आरक्षण, नौजवानों में इस तरह की कोई भावना छात्र जीवन से हम भी आए हैं नहीं रोती है। हाँ, जो संगठन खासतौर से हम एबीवीपी का नाम लेते हैं कि उन लोगों की जो विचारधारा है उसमें एक विचार है जो कॉन्फ्लिक्ट करता है अपर कास्ट और अदर कास्ट को,
तो ये छात्रों में नहीं है, राजनीतिक दलों की जो दल है उनकी जो विचारधारा है उसमें है। और ये भी सत्य है कि बहुत से लोग जो आज ऐसे दल हैं अब कि दलितों या पिछड़ों को आगे बढ़ते हुए में बहुत अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, अभी दो दिन पहले यूपी की बीजेपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने दलितों के लिए क्या बोला, अभी आज ही के अखबारों में राजस्थान में दलित तीन बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है। और अभी सुधांशु जी दलितों की भाई सब गिना रहे थे मेरे यहाँ कितने दलित पदाधिकारी हैं, भाई सबसे ज्यादा सांसद आपके पास हैं तो होंगे ही, लेकिन आरएसएस में कितने दलित हैं, कितने पदों पे हैं, आप भूल गए मूल विचार क्या समझे, क्या आपके संगठन का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्या कोई एक विचारधारा अब हमारे छात्रों पे थोपी जा रही है, राजनीति एक तरह से हावी हो रही है छात्रों के संगठन पर, ये इसलिए हावी होता रोष दिख रहा है जिस तरह से आपने हमें तमाम समझाया तरह तरह के विश्वविद्यालयों में अलग अलग परिस्थितियां किस तरह से आके समावेश करेंगे। जो एक आशंका है